नाक में दम कर दिया है आपके इस भारत जोड़ो यात्रा ने। सुधांशु जी, सुबह से शाम तक आप लोग पीसी करके कुछ ना कुछ खोट रोज निकालते हैं। ये मैं पूर्व में भी बोल चुका हूँ, शुरू हुई केरल से तो उसको गले लगाया जिसने सड़क पे बीफ पार्टी की थी। तमिलनाडु में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि वो पादरी जॉर्ज पुनैया जो कहता है कि मैं जूते इसलिए पहनता हूँ कि भारत की गंदी धरती पे मेरा हाथ पैर न टच हो जाए। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। कर्नाटक पहुंचे तो उनके कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा हिंदू शब्द गंदा है। तो महाराष्ट्र पहुंचे तो सावरकर जी के खिलाफ नफरत। फिर आगे बढ़े तो गांधीयंस विद गन कहने वाली मेधा पाटकर जी, तो उनका परमानेंट जैसे मंदिर मंदिर आरती कर रहे थे वो नहीं दिखा आपको? आ तो रहे हैं। अब देखिए, जाके पूजा करेंगे और फिर कहेंगे पुजारियों का देश नहीं है, क्योंकि बीच में एंटोनी साहब की एडवाइस आ गई कि भाई अल्पसंख्यक वोट तो है मगर अगर हिंदुओं का वोट पाना है तो चंदन भी लगाना पड़ेगा, मंदिर भी जाना पड़ेगा, टीका भी लगाना पड़ेगा, तो बेचारों को वो भी करना पड़ा।